हाय गाइस, आप सभी का मेरे चैनल सभी को पे स्वागत है। एंड आज हम मेरे कुछ अटैक्स एंड कुछ डिफेंसेस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरे पे अभी अटैक हुआ था 1 आवर पहले, हम वो वाला अटैक देखते हैं। एंड ये लावालून था, लेजेंड वर्सेस लेजेंड अटैक। एंड 52% एंड 20 ट्रॉफीज माइनस। एंड अभी हम देखेंगे सेकंड अटैक। एंड इसमें 71% डैमेज एंड माइनस 4 ट्रॉफीज। तो चलिए देखते हैं ये भी अटैक लावालून है। एंड फ्रील स्पेल ऑन इन्फर्नोस एंड ईगल। एंड फॉर बेस को रेस्ट ऑफ द बेस क्ले करने के लिए बेब ड्रैगन्स। नाइस। एंड हीरोस लेवल 50 के हैं दोनों, मैक्स है ये। चलिए देखते हैं, हीरोस में भी लास्ट के लिए बचा कर रखे हुए हैं। ट्राई थी 2 स्टार के लिए, बट 1 स्टार हो गया है। नाइस एंड अर्ली, 30 सेकेंड लेफ्ट। एंड अब दे दिए हैं दोनों हीरोस की एबिलिटी। एंड सिंगल टावर इन्फर्नो टावर लॉक हो गया है अभी क्वीन पे। एंड क्वीन डेड। एंड दूसरी साइड सिंगल टारगेट इन्फर्नो टावर्स, दोनों हो गए हैं बेबी ड्रैगन पर लॉक। एंड यस 3 2 1 एंड यस 71% डैमेज एंड 4 माइनस। ये गाइस ये अटैक्स है लेजेंड वर्सेस लेजेंड। ये मेरी डिफेंस है। एंड अब हम देखेंगे 82% डैमेज। एंड ये है ग्राउंड अटैक, बोलर अटैक ऑन Th11। क्वीन वॉक प्लस बोलर अटैक। क्वीन करते हैं गाइस। ये देखिए सिंगल टावर इन्फर्नो टावर लॉक हो गया था, बट साथ ही अदर रेस्ट ऑफ द ट्रूप्स छोड़ दिए हैं इन्होंने। एंड वार्डन की हील भी दे दी। एंड मेरा क्लैन कास्ट ला गया है अभी क्लैन कास्टल के ऊपर फ्री स्पेल। सिक्सटी फाइव परसेंट डैमेज।
एंड गाइस ये भी मैक्स है, हीरोज एंड ट्रूप्स बोथ मैक्स एंड स्पेल्स आल्सो मैक्स प्लेयर लेजेंड प्लेयर्स एंड 5 माइनस एंड 82% डैमेज। एंड अभी हम पहले तो लावा बना लेते हैं, लावा पॉइजन है हमारे पास। एंड अभी हम देखेंगे 53% डैमेज एंड 8 माइनस। एंड ये भी है विच एंड बोलर अटैक एंड 3 जंप स्पेल, जंप स्पेल 2 जंप स्पेल दे दी है इन्होंने एंड 10 विच, 10 विचेस। ओसम एंड आप देख सकते हैं गाइस अनदर जंप स्पेल एंड वार्डन की एबिलिटी भी है। नाउ ट्रूप बेस के कोर तक पहुंच चुके हैं एंड सिंगल टावर एंड फोनो टावर थोड़ी देर में। एंड अभी सिंगल टावर एंड फोनो टावर लॉक हो गया क्वीन पर एंड क्वीन की एबिलिटी भी दे ली इन्होंने। एंड दूसरी साइड विचेस एंड वार्डन क्लियर कर रहे हैं बेस को एंड यस टू स्टार, सॉरी यस टू स्टार 50% डैमेज। एंड यस 9 सेकंड लेफ्ट बट नाइस अटैक 4K डॉग ग्रैब कर लिए इन्होंने एंड 8 ट्रॉफीज 53% डैमेज नाइस अटैक। एंड ये है लवलून विद जायंट्स, देखते हैं विद क्वीन वॉक। रिंग स्पेल दे दी है इन्होंने एंड क्वीन अंदर चल गई है। अब देखते हैं क्लैन कैस्टल भी मेरा बाहर आ गया है। क्लैन कैस्टल के क्लैन कैस्टल में मेरे डिफेंसिव ट्रूप नहीं थे, जस्ट बोलर्स थे। मैं अटैक करने वाला था बट मैं ऑफ हो गया बिकॉज पर्सनल ब्रेक आ गया था मेरा। एंड किंग भी छोड़ दिया एंड हीलर्स किंग की तरफ हो गई हैं, किंग पे लोक हो गई हैं एंड ए डिफेंस भी हीलर्स पे। 2 हीलर्स लेफ्ट एंड 24% डैमेज एंड 1 हीलर लेफ्ट। किंग की एबिलिटी भी इन्होंने दे दी है, किंग ऑलमोस्ट डेड एंड यस किंग डाउन। एंड दूसरी साइड जायंट्स छोड़ दिए हैं इन्होंने एंड एक हीलर लगी हुई है क्वीन के ऊपर। एंड नाउ रेस्ट ऑफ द ट्रूप्स लवलून 3 लावास एंड रेस्ट ब्लून्स एंड 1, 2 रेन स्पेल एंड वार्डन की एबिलिटी भी दे दी है इन्होंने। चलिए देखते हैं आगे। एंड सिंगल टावर एंड फोनो टावर डाउन एंड अदर रेंज स्पेल नहीं दी, अदरवाइज 2 स्टार हो जाने थे एटलेस। इन्फोर्नोस एंड ईगल तो करते ब्लूम्स डिस्ट्रॉय बट
I don't know. And 75%, 77% damage. Bomb star. 17 seconds left. And another side, Warden minion. And other side, one archer left. I have 5, 4, 3, 2, 1. And nice attack. एंड अभी हम मेरे अटैक देखेंगे एंड ये तो मैंने टनहल 9 में को मिल गया था तो मैंने इस पर ही अटैक कर दिया बिकॉज मैं अभी मेरे को बेस नहीं मिल रहा था लेजेंड में कोई भी एंड क्वीन वर्क प्लस माइनर अटैक एंड ये डेड बेस है एंड क्वीन अपना काम अच्छे से कर रही है एंड ये रिंग स्पेल जस्ट जल्दी जल्दी से क्लियर करने के लिए एंड कपल ऑफ वॉल ब्रेकर्स एंड दूसरी साइड किंग्स किंग एंड जेंट्स छोड़ दिए हैं एंड विद रेस्ट ऑफ द ट्रूप्स माइनर बॉलर्स एंड वॉल ब्रेकर्स एंड वॉल ब्रेकर ने अपना काम अच्छे से कर दिया है एंड अभी ट्रूप्स अंदर जा रहे हैं एंड इजीली ये तो इजी है टनहल 11 के लिए टनहल 9 को क्लियर करना बट फिर भी मैं अटैक नहीं करना चाहता था इस पे बट मैंने कर दिया बिकॉज मेरे को कोई बेस नहीं मिल रहा था नियर अबाउट 20 मिनट से मैं सर्च कर रहा था एंड 7 ट्रॉफीज मिल रही थी तो मैंने कर दिया अटैक एंड ये हील स्पेल एंड रेंज स्पेल दोनों ही माइनस के ऊपर दे दी है मैंने एंड मैंने क्लैन कैसल के ट्रूप्स एंड स्पेल्स सेव करी हुई हैं क्योंकि मेरे को इनकी ज़रूरत नहीं थी बिकॉज मैं टाउन 9 पे ही अटैक कर रहा था एंड जस्ट 89% डैमेज हो गया है एंड नाउ वार्डन की एबिलिटी भी दे दी है जस्ट किंग को सेव करने के लिए अदरवाइज किंग को डैमेज पहुंचाते आज टावर एंड कैनन एंड यस 3-स्टार अटैक इजी था ये वाला एंड अब हम कोई और अटैक देखते हैं माय 3-स्टार अटैक एंड 7+ हुई हैं इसमें भी ये है टनहल 11 का प्लेयर क्वीन मैक्स वार्डो मैक्स एंड मैंने इसमें भी क्वीन वर्क करी हुई है मैं क्वीन वर्क एंड माइनर वाली स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ जेंट्स मैंने बनाए थे इवेंट के लिए इवेंट तो मैंने फुल कर लिया बट मेरे को जेंट ठीक लगे फिर भी तो मैं अभी ये स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ एंड ए डिफेंस लॉक हो गई है मेरी हीलर्स पे एंड एक बलून छोड़ा था मैंने उसका ध्यान डिवर्ट करने के लिए बट अभी वार्डन की एबिलिटी जस्ट टू सेव माय हीलर्स एंड 38 लेवल का किंग अभी क्वीन ने डाउन कर दिया है एंड अभी ज़रूरत है मेरे को एंड क्वीन की एबिलिटी दे दी थी मैंने बिकॉज आई वांट टू सेव माय रेंज स्पेल फॉर रेस्ट ऑफ द बेस एंड दूसरी साइड मैंने किंग एंड विद कपल ऑफ बॉलर्स के साथ जायंट्स एंड रेस्ट ऑफ द ट्रूप्स छोड़ दिए हैं माइनस अभी मैंने थोड़ी देर के लिए बचा के रखे थे बिकॉज साइड में क्लियर होने के बाद
डायरेक्ट माइनस सुंदर जाने थे एंड मैं गया था इस पे 2 स्टार के लिए, बट मेरे को नहीं लग रहा था कि 3 स्टार आ जाएंगे, बट 3 स्टार हो गया जो बीस पे नाइस। एंड सिंगल टारगेट कॉर्नर टावर के साथ ये है क्वीन एंड क्वीन के ऊपर पॉइजन स्पेल प्लस हील स्पेल ऑन माइनस एंड यस 2 स्टार 71% डैमेज एंड सिंगल टारगेट कॉर्नर टावर पर माइनस कर रहे हैं अटैक एंड नाउ वो भी डाउन एंड क्वीन मेरी डेड। कपल ऑफ हीलर्स लेफ्ट एंड नाउ हीलर्स लोग हो गए हैं माइनस के ऊपर, दैट्स वाई 3 स्टार हो गए थे, अदरवाइज डबल कैनल एंड एक्सपो के साथ नहीं हो पाते मेरे से 3 स्टार, स्पेशली ये स्ट्रेटजी से। एंड गाइस इवनिंग को हम वार के अटैक्स देखेंगे जब हमारे प्लेयर्स फुल अटैक कर दें, देखते हैं वॉर के भी। एंड जी तो अभी मैं अपनी डिफेंस एंड अटैक्स दिखा रहा हूँ तो जस्ट एंड अभी देखते हैं मेरा 68% वल डैमेज वाला अटैक। एंड मैंने 41 लेवल की क्वीन कर ली है, बुक यूज करी थी मैंने एंड 1 विज़ार्ड ऑन आर्मी कैंप जस्ट टू क्लियर एंड नाउ क्वीन के ऊपर मैंने ही डेन स्पेल भी दे दी है। नाउ बॉल ब्रेकर एंड बॉल ब्रेकर ने अपना काम कर दिया है एंड नाउ क्वीन वर्सेस क्वीन एंड वार्डन की ही एबिलिटी भी दे दी है बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज माय क्वीन एंड नाउ अगेन रेन स्पेल अदरवाइज माय क्वीन गोना डाई एंड नाउ अनदर साइड 1 बॉलर दैट वाज माय बिग मिस्टेक बट नाउ स्टिल ओके एंड नाउ क्लाइन कैसल ट्रूप्स क्वीन ने उड़ा दिए हैं क्लैन कैसल ट्रूप्स एंड नाउ क्वीन एक्सपो क्वीन के ऊपर लॉक हो गया है मे बी जे यस ग्राउंड पे था एक्सपो एंड नाउ 1 बलून जस्ट फॉर क्लियरेंस डिफेंस को उड़ाने के लिए एंड नाउ अनदर सेट पे किंग एंड माइनस एंड रेस्ट द ट्रूप्स एंड 1 रेंज स्पेल ऑन जायंट्स प्लस माइनस एंड नाउ माइनस अंदर चले गए एंड माइनस ईगल अल्ट्री पे एंड नाउ 1 हील स्पेल एंड 1 इन्फर्नो टावर सिंगल पे सेट है एंड 1 नोन मल्टी एंड नाउ हील्स लगी हुई है माइनस पे लॉक हो गई है एंड नाउ एंड सिंगल टारगेट इन्फर्नो टावर भी माइनस पे लॉक हो गया है एंड नाउ मैं क्वीन टारगेट कर रही है बेस पर टाउन हॉल पर एंड इन्फर्नो टावर लॉक हो गया है क्वीन पर एंड जे क्वीन ने अपना काम अच्छे से कर दिया एंड मैंने ये बैटल एंड कर दिया था बिकॉज मैंने वार में अटैक करने थे एंड मैं और अपने हीरोज को की हेल्थ घटाना नहीं चाहता था एंड नाउ हम देखेंगे 83% डैमेज वाला अटैक। एंड जे भी है क्वीन वॉक प्लस माइनर अटैक स्पेल जस्ट जल्दी से क्लियर करने के लिए एंड बॉल ब्रेकर एंड जस्ट बॉल्स को शूट के रेस्ट ऑफ द बेस मैक्स है इनका नाइस
बोलर डोनेशन देते हैं अभी अटैक के बाद, एंड पीपल हीलर्स को पुश कर रहा है, एंड नाउ आचो क्वीन अंदर चली गई एंड हीलर्स भी लॉक हो गए हैं आचो क्वीन पर अब, बट नाउ हीलर्स लॉक हो गई हैं वार्डन पर, चलिए देखते हैं। एंड इन्फर्नो टावर टारगेट कर रहा है बोथ माय क्वीन एंड वार्डन पर, एंड नाउ वार्डन की एबिलिटी एंड नाउ ग्रीन स्पेल ऑन हीलर्स प्लस क्वीन, नाइस। एंड 29% डैमेज एंड ईगल चालू हो गई है, देन अपनी आर्मी, एंड इस अटैक में मैं भूल गया था अपने जेंट्स को, एंड देन मैंने जेंट्स लास्ट में यूज़ करे थे, मैं टोटली भूल ही गया था अपने जेंट्स के बारे में, देन आई डोंट नो व्हाई मैंने फिर भी जेंट्स छोड़ दिए, बट विदाउट जेंट्स आप देख सकते हैं जेंट्स मेरे 10 के 10 अभी पड़े हुए हैं, एंड अब मैंने छोड़े एंड 60% डैमेज, एंड जेंट ने अभी 1 डिफेंस को भी नहीं टारगेट करा है, एंड नाउ जेंट अटैक कर रहे हैं, एंड 3 स्टार भी हो सकते थे इस बेस पर अगर मैंने जेंट्स छोड़ दिए होते पहले तो, बट मैं एक्चुअली भूल गया था। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द अटैक बहुत अच्छा था, 81% डैमेज एंड 83% डैमेज नाउ, एंड अगर थोड़ा सा टाइम हो रहा था लाइक 30 सेकेंड देन हो जाने थे 3 स्टार एंड 10 ट्रॉफीज प्लस। एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई अटैक्स प्लस डिफेंस, तो गाइस शाम को मिलते हैं, जय हिंद, बाय, टेक केयर।